वेलकम टू स्टडी प्लग। नमस्कार, आज हम सीखेंगे कैसे हम हमारे कंप्यूटर में सी और सी प्लस प्लस का कंपाइलर, एडिटर या आईडीई को कैसे इंस्टॉल करें। सी या सी प्लस प्लस कोई भी प्रोग्राम बनाना हो तो हमारे कंप्यूटर में उसका एडिटर या उसके आईडीई सॉफ्टवेयर होना ही चाहिए, जहां पे मैं प्रोग्राम लिखूंगा और वहां पे मैं उसको कंपाइलर रन कर सकता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देख पा रहे हैं आप, मेरी डेस्कटॉप स्क्रीन है, इस पर मैंने एक टर्बो सी एंड सी प्लस प्लस नाम का एक फोल्डर बना रखा है। इसे मैंने अपनी सुविधा के लिए बना रखा है क्योंकि इसके अंदर मैंने उसका सेटअप रख रखा है। डबल क्लिक करके उसको ओपन करते हैं, जिसके अंदर आपको ये दिख रहा है, ये सी और सी प्लस प्लस का सेटअप है। यह सेटअप विंडोज 7, विंडोज 8 और विंडोज 10 के लिए कंपेटेबल है, और आप कोई लोअर वर्जन भी यूज करते हैं विंडोज XP तब भी उसके लिए कंपेटेबली वर्क करेगा। और जब भी आप प्रोग्राम बनाएंगे, जब भी इस एडिटर को ओपन करेंगे तो फुल स्क्रीन ही चलेगा। दूसरे कई एडिटर्स हैं जो शायद फुल स्क्रीन नहीं हो पाते हैं, हमारा ये एडिटर या ये जो हमारा आईडीई है ये फुल स्क्रीन सपोर्ट करेगा सब में। आप चाहें तो फुल स्क्रीन प्रोग्राम लिख सकते हैं, और वही लिखना चाहिए क्योंकि काफी सही रहता है। फुल स्क्रीन होता है तो हमको लिखने में भी और लिखने में, दिखने और लिखने दोनों में सहूलियत रहती है। तो चलिए इसका सेटअप शुरू करते हैं। सेटअप शुरू करने के लिए सबसे पहले इसके ऊपर हम डबल क्लिक करेंगे। अब देखिए, एक डायलॉग बॉक्स मेरे सामने आ गया है वेलकम स्क्रीन का, वेलकम टू टर्बो सी प्लस प्लस। भले इसमें इन्होंने टर्बो सी प्लस प्लस लिखा है, पर यही एडिटर आपको किस में भी सपोर्ट करेगा, सी की प्रोग्रामिंग में भी सपोर्ट करेगा। नेक्स्ट करते हैं। फिर एक लाइसेंस एग्रीमेंट मेरे सामने आ गया जिसे मुझे एग्री करना है। जैसा आप किसी और में भी सेटअप करते हैं, आईडी बनाते हैं, तो एक एग्रीमेंट आता है जिसको आपको एग्री करना होता है। कुछ शर्तें हैं इनकी, वो माननी है, आप इस पर एग्री करें। फिर नेक्स्ट डायलॉग बॉक्स में आप इसको इंस्टॉल कर दें, तो इसकी जो भी इनबिल्ट फाइल्स है, जो नेसेसरी फाइल्स है, वो आपके सिस्टम में सेट हो जाएगी। और ये जो लास्ट विंडो मेरे सामने आ गई है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि रन टर्बो सी प्लस प्लस। अगर मुझे अभी इसको रन करना है तो मैं इस ऑप्शन को ओके रहने दूंगा, और अगर नहीं करना, आप नहीं करना चाहते अभी इसको रन, तो आप इसको हटा दें, इस राइट क्लिक वाले निशान को आप हटा दें। फिर मैं फिनिश पर क्लिक कर दूंगा। अब मैं देखता हूं कि मैंने रन पे क्लिक किया था फिर भी वो सॉफ्टवेयर नहीं चला, तो चलिए देखते हैं, वो सेटअप तो सक्सेसफुली हो ही गया है, तो मेरी डेस्कटॉप पे एक आइकॉन बन गया होगा। देखिए, डेस्कटॉप पे एक आइकॉन बन चुका है, यहाँ पे ये टर्बो सी का ये आइकॉन है, इसको ध्यान रखें। ये आपके डेस्कटॉप पे, जैसे आप इस सेटअप को इंस्टॉल करेंगे, आपके डेस्कटॉप पे क्रिएट हो जाएगा। मैं इससे ओपन करता हूँ डबल क्लिक करके। डबल क्लिक करा, कुछ प्रोसेस हुई और ये एडिटर मेरे सामने ओपन हो गया है। अब अभी बिल्कुल फ्रेश एडिटर इंस्टॉल किया था, फिर भी कुछ प्रोग्राम लिखा हुआ मेरे सामने है। तो ये इनबिल्ट प्रोग्राम्स हैं जो पहले से इस सॉफ्टवेयर के अंदर या इस आईडी या इस सेटअप के अंदर लिखे हुए थे, वो मेरे सामने ओपन हो गया है। वो हाफ स्क्रीन में आ रहा है, तो उसको फुल करने के लिए आप, पहले भी बताया मैंने कि F5 फंक्शन की F5 का यूज कर सकते हैं, या फिर वो लास्ट में जो एरो वाला सिंबल है उसको भी यूज कर सकते हैं। अब मुझे फ्रेश प्रोग्राम लिखना है, तो एक नई फाइल चाहिए, तो मैं फाइल में जाके करता हूँ न्यू। न्यू करने पर फिर एक और इनबिल्ट प्रोग्राम मेरे सामने आ गया है। अगर यहाँ पे फ्रेश फाइल आ जाती तो मैं लिख देता। आपको फाइल में न्यू में तब तक क्लिक करना है जब तक आपके सामने नई फाइल, बिल्कुल ब्लैंक फ्रेश फाइल आपके सामने नहीं आ जाती। तो मैं एक बार और कोशिश करता हूँ कि इस बार ब्लैंक फाइल मेरे सामने आ जाए। तो मैंने फाइल पे जाके न्यू पे क्लिक किया, तो देखिए ब्लैंक फाइल मेरे सामने आ गई। अब इसको भी वापस मुझे अगर फुल स्क्रीन करना है, तो मैं फंक्शन की F5 का यूज कर सकता हूँ, यह चाहो तो। जैसा इसमें हमने एरो वाली की का यूज किया, तो एरो वाली की का यूज करके फुल स्क्रीन हो गई। अब ये फ्रेश फाइल है, मैं चाहूँ तो इसमें सी का या सी प्लस प्लस दोनों में से किसी का भी प्रोग्राम लिख सकता हूँ, वो सही से कंपाइल होगा और सही से रन होगा, अगर मैंने उस प्रोग्राम को सही से लिखा है तो। इसके जो सेटअप फाइल है, इसके डाउनलोड की लिंक हमने हमारे डिस्क्रिप्शन में लिखी है, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, और इस पूरे वीडियो को देख के आप उसका सक्सेसफुली सेटअप कर सकते हैं।